नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। स्वागत करता हूं हमारे चैनल एनके टेक्निकल गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा पौधा बता रहा हूं जिसके बारे में आपने सिर्फ सुना होगा। यदि आपने देखा हो तो आप जरूर कमेंट में बताएं। ये जो आपके सामने पौधा दिख रहा है, ये पौधा क्या है, कौन सा पौधा है ये? क्या आप इस पौधे को जानते हैं? इस पौधे का तना आप देख सकते हैं, ये तना है। अभी ये पौधा मात्र 10 साल 12 साल का ही है। इसका तना आप देख सकते हैं कितना मोटा है, हाथी पाँव के जैसे तना हो गया है। और इस पौधे की खासियत आपको दिखा दें, ये आप देखिए, इसको थोड़ा सा पास देखें। पौधा जो है एक पत्ता है, ये एक पत्ते में आपको 7 शाखाएं दिखेंगी, 1 2 3 4 5 6 7, एक ही पत्ते में 7 शाखाएं हैं इसमें। तो दोस्तों, कौन सा पौधा है ये, क्या आप इसको पहचानते हैं? फिर भी मैं बता देता हूँ, इस पौधे का नाम है कल्प वृक्ष, जिसकी कहानियाँ आपने सुनी होंगी। ये पौधा जो है पहले इंद्र भगवान के पास हुआ करता था, जो कि अब यहाँ आया है और इस पौधे को जो है अपने भारत देश में 4 ही 5 जगह पे लगाया गया है। जैसे कि एक हमीरपुर ज़िला है, वहाँ पर भी है। अभी मैं महोबा ज़िला में हूँ और महोबा ज़िला में मैंने इसके 2 पौधे देखे हुए हैं जो कि आपके सामने हैं। एक पौधा तो आपको ये दिख रहा है, दूसरा पौधा मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो पौधा देख रहे हैं, ये भी कल्प वृक्ष का ही पौधा है। तो मैं आपको दिखा दूँ, कल्प वृक्ष का ये पौधा कहते हैं कि इस पौधे के नीचे यदि आप तपस्या करते हैं या कुछ भी आप मांगते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अभी ये पौधा नया है, कई लोगों ने आकर के यहाँ पर अपनी मनोकामना के लिए, देख सकते हैं ये पॉलिथीन बांधा हुआ है, कपड़े बांधे हुए हैं, कृपा करें। लोगों को, जिनको पता चला है कि ये कल्प वृक्ष है, तो वो आकर के कोई पॉलिथीन बांध गया, कोई कपड़ा बांध गया, वो अपनी मन्नत मांगने आए हैं कि मेरा ये काम सफल हो जाए। वो कहते हैं यहाँ पर बैठ के कोई सच्चे मन से कुछ मांगे तो वो उसको प्राप्त होता है, क्योंकि ये बड़ा ही दुर्लभ पौधा है। इसको पारिजात के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंद्र भगवान के पास हुआ करता था। फिर इसके बाद ये कृष्ण भगवान वहाँ से लेकर के आए थे। इस पौधे को श्राप भी दिया था इंद्र भगवान ने कि यदि इस पौधे को आप यहाँ से चोरी करके लेके गए हैं तो इसमें कभी फल नहीं लगेगा। तो तब से लेकर अब तक इसमें कोई फल नहीं लगता है, इसका पौधा नया तैयार नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो पौधा है ये कलम द्वारा तैयार किया गया था और आज इसे 12 साल हुआ है। तो 12 साल का ये पौधा आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है और हरा भरा पौधा है। हर पत्ती में 5 से 6 बल्कि 7 शाखाएं होती हैं हर एक पत्ती के अंदर, ये आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए, पूरा पौधा मैं आपको दिखा रहा हूं। पौधे का तना है ये हाथी पांव के जैसे इसका तना है। लोगों ने पूजा की है यहाँ पर, अपनी मनोकामना के लिए कुछ ना कुछ बांध के गए हैं इस प्रकार से। हर कोई व्यक्ति जिसको पता चलता है कि ये कल्प वृक्ष है, वो आकर के यहाँ पूजा करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ये महोबा जिला में एक सज्जन के घर में आया हूँ, उनके फार्म हाउस पर ये लगा हुआ है। स्थान का नाम है राम दरबार, गवर्नमेंट ITI कॉलेज के बगल से रास्ता है। यदि आप भी आना चाहते हैं तो महोबा में गवर्नमेंट ITI के बगल से राम दरबार में आकर के इस पौधे को देख सकते हैं। और आप भी कुछ मांगना चाहते हैं तो मांगिए।
यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम आपको इतनी मेहनत करके वीडियो बना करके भेजते हैं तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।